परम पूज्य आचार्य गुरु वर्धमान सागर जी महाराज की जय। हारिका रत्न चैतन्यमती माता जी की जय। माता जी बढ़वा के हैं ये, शुरू से हमने जब से करीब 35 साल से हमने इनको देखा है कि ये धर्म के मार्ग में हमेशा आगे तत्पर रहते थे। हमारे गांव में अधिक कोई धर्म नहीं करता था, किसी की कोई प्रतिमा नहीं थी। फिर माता जी ने जो इतने सालों से प्रतिमा ली तो उनको देख के भी हमारे ऐसे भाव बनते हैं कि माता जी इतना कर सकते हैं तो अपन भी कर सकते हैं। और कोई भी साधु संत आते तो सबसे पहले हमारे गांव में इनके ही चक्कर लगता था। सब लोग ऐसे घबराते थे कि कौन करेगा। गजुबिया पूरे गाँव में घूम के आ जाते थे और रात्रि में आके ये लगाते। तो फिर इनकी प्रेरणा हमने ये ली कि माता जी कर सकते हैं तो अपन भी करेंगे। इसे हम इसके धर्म के मार्ग में माता जी की हर चर्या को देख के हम आगे बढ़े। इनका पूजा पाठ करना, रोज सुबह से उठ के मंदिर आना, कोई गुरु आए तो उसके दर्शन करने जाना, सब बात हमने माता जी की प्रेरणा से सीखी। और हमको इतना अच्छा लगता था कि माता जी इतना करते हैं और किसी भी समाज के कोई काम हो तो हमेशा आगे रह के काम करते हैं। कोई भी ब्रह्मचारी भी एक आ जाए ना तो उनके लिए इनका घर हमेशा खुला रहता था। जब हम तो छोटे अंजान थे तो हम इतना नहीं कर पाते थे, फिर माता जी को देख देख के हम भी इस धर्म के मार्ग में आगे बढ़े। और हमारे यहाँ पर इन्होंने हर बात में और हमको इस बात का इतना गर्व है कि हमारी साथ साथ में सिद्धुरकुट में दीक्षा हुई और माता जी की प्रेरणा से ही हम आए इस मार्ग पर आए हैं। हमने इनके ही अनुसरण किया और उसको देख देख के हमारे ऐसे भाव बनते थे कि हम भी ऐसा करें और हमारे साथ में दीक्षा हुई और माता जी की अच्छी से समाधि हो गुरु के चरणों में, यही हमारी कामना है। वंदे माता जी, वंदे माता जी।